दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला कुछ ऐसे मजेदार वीडियो जिनको देखने के लिए किस्मत होनी चाहिए। तो क्या आपने कभी ऐसे 3D डिजाइन को देखा है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि एलियंस का सिर बाहर निकला आ रहा हो? और क्या आपने ऐसे पेंट आर्टिस्ट को देखा है जो फ्राई दाल में पेंट की मदद से ऐसे आमलेट बनाता है? ये देखकर आपकी आंखें कन्फ्यूज हो जाएंगी। तो दोस्तों हम लेके आए ऐसे कुछ शानदार मजेदार वीडियो जो आपके बोरिंग टाइम को बना देंगी कूल। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह के मस्त वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी प्लास्टिक की बोतलों से बनी हुई इस दीवार को देखा है जो नाइजीरिया के एक गांव में बनी हुई है, जिसे कुछ सीमेंट मसाले के साथ रखकर कुछ ऐसे बनाया गया है जो दूर से देखने पर नॉर्मल दीवार की तरह दिखती है, लेकिन पास आने पर पता चलता है अरे ये तो दीवार बोतलों से बनी हुई है। और इस दीवार को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा टाइम भी लगा होगा। और ये दीवार इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि भूकंप जैसे आपदाओं को भी झेल सकती है। और दोस्तों आप लोगों ने इस कैबेज को तो बनते हुए जरूर देखा होगा, जिसे बनाने के लिए पानी में कुछ केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। और ये टाई कैबेज तैयार होने के बाद एक ओरिजिनल कैबेज की तरह ही दिखता है, जिसे चाकू की मदद से काटा भी जा सकता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इस कैबेज को देखकर कुछ लोगों का मानना है कि इस स्टोर में प्लास्टिक के कैबेज ही खिलाए जाते होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे डिमी कैबेज डिस्प्ले में रखने के लिए बनाए जाते हैं जो काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। और दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे पेड़ों को देखा है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई स्कल्पचर है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन पेड़ों को ऐसे बनाने के लिए इन पेड़ों की टहनियों को पहले से ही सेट कर दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे कई सालों में ये पेड़ कुछ ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हो। और दोस्तों ये पेड़ देखने में सच में बहुत ही कमाल के लगते हैं। और क्या आपने कभी अपने घर के आसपास ऐसे पेड़ों को देखा है? और अगर देखा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आईने के सामने डिस्ट्रॉय एंड रिफ्लेक्शन को रख दिया जाए तो हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, जैसा कि स्टील के पाइप में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ही घुमाने पर हमें फ्रॉग नजर आने लगता है, और इस वाले को रखने पर ऐसा लगता है कि एक बिल्ली अपनी गर्दन को जुबान से चाट रही हो। तो है ना कमाल का रिफ्लेक्शन। और दोस्तों आप इस कंगारू को ही देख लीजिए, जिसके पेट वाली थैली को जैसे ही ओपन किया जाता है तो उसमें हमें नन्हा मुन्ना ये कंगारू नजर आता है, और ये भी इतना छोटा होता है जैसे कि आज ही पैदा हुआ हो। और कंगारू को ये बच्चे 6 मंथ तक अपनी माँ के कोख में आकर बैठते हैं, जब तक वो खुद से भागना ना सीख ले। और दोस्तों क्या आपने कभी ऐसी उंगलियों को देखा है जो आपस में ही चिपकी हुई है, और ऐसा कहीं लाखों में एक या दो लोगों को होता है, जिसे देखकर काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सेंटीमेटिक का कमाल है? लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस चीज को सेंटेटली कहते हैं, और इस कंडीशन में उंगली की खाल एक दूसरे से चिपक जाती है, और इसे ऑपरेशन की मदद से ठीक भी किया जा सकता है। और अगर आप में से किसी भी भाई की उंगली ऐसी चिपकी हुई है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि स्नेल भी अंडे देती है, और उसके अंडे कुछ ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा छोटे और बारीक होते हैं, जो धीरे धीरे स्नेल के अंदर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हो। और दोस्तों क्या आपने कभी बॉम्ब से किसी बिल्डिंग को गिराते हुए देखा है कि नीचे काफी सारे बॉम्ब रख दिए जाते हैं, और फिर जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू होते हैं तो पहले तो समझ में नहीं आता है कि ये बिल्डिंग इस बॉम्ब से गिरने वाली है, लेकिन कुछ ही देर में ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बॉम्ब ब्लास्ट से गिर जाती है। इस फील्ड में पूरा गर्दा ही गर्दा हो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इसके साथ साथ क्या आपने कभी स्विंग ऑपरेटर की इस जॉब को देखा है, जिसमें दो भाई साहब झूलों को पकड़ के कुछ ऐसे झुलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हो। और इस झूले में झूलने वाली यह लड़की काफी ज्यादा मजे ले रही है, लेकिन अगर इस झूले में जरा से भी गलती हो जाए तो सच में दोस्तों इन लोगों की शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना? और जरा इस कांच की टेबल को ही देख लीजिए, जिसमें काफी सारे पैर लगे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें हम अपना पैर लगाते हैं तो ये हवा में ही उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि आखिर टेबल टिका किस चीज के ऊपर है। तो दोस्तों इसमें ब्लैक कलर की दिखने वाली टांगे कुछ ही रियल हैं, जो इस टेबल को रोके हुई हैं, बाकी तो सब फेक हैं, जो हमें भ्रम में डाल देती हैं। और दोस्तों लोकलेस के इस आर्ट को ही देख लीजिए, जो अपने टकले के ऊपर कुछ ऐसे दिल बनाते हैं जिसे देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सिर के अंदर तो दिमाग होता है लेकिन दिल कहां से आ गया, और ये दिल सच में रियल लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये लोकलेस की मेकअप आर्ट की कमाल है, जो सच में बहुत ही कमाल की है। और दोस्तों इस सैंडिक ग्रुप के इन डांस स्टूडेंट्स को भी देख लीजिए, जो साथ में बैठकर कुछ ऐसे अपने हाथों को मूवमेंट करते हैं जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इंसान है। और इसे देखने के बाद रोबोट फिल्म की चिट्ठी की याद आ जाती है, जिसमें सारे रोबोट के सिर घूमते हुए नजर आ रहे
होते हैं, पर कुछ भी हो ये कलाकारी कमाल की है। और चलते चलते इस लेडी को भी देख लीजिए, जो अपने पेट को ऐसे अंदर कर लेती है जिसे देखने पर ऐसा लगता है इसके सीने की सारी हड्डियां बाहर निकली आ रही हूँ। फिर कुछ ही सेकंडों में ये नॉर्मल भी हो जाती है। और दोस्तों ऐसी बॉडी कहीं लाखों में एक ही लोगों की होती है जो आम लोगों से बिल्कुल ही अलग होती है। तो दोस्तों इनमें से सबसे अच्छा वीडियो आपको कौन सा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं।